फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 050/60 ट्रेन का अराइवल का वीडियो लेकर आए हैं भोजीपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। एक ऐतिहासिक दिन, एक ऐतिहासिक पल, वो भी तब जब पहली बार सीधे भोजीपुरा से हम लखीमपुर तक की यात्रा भी करेंगे, उसका वीडियो दूसरा होगा। यात्रा का जो वीडियो होगा वो हम आप लोगों को डिटेल से दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आप लोगों को अराइवल का वीडियो दिखा रहे हैं भोजीपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ट्रेन के आने का समय हो गया है 050/60 भोजीपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो कि कम से कम एटलीस्ट लंबी दूरी की जो ट्रेन है वो मिल रही है। ख़ास इस वजह से भी क्योंकि अभी तक किसी भी ट्रेन का जो विस्तार है वो सागर से आगे पीलीभीत की दिशा में नहीं हुआ, लेकिन एक स्पेशल ट्रेन मिली है तो उसके अराइवल का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं, ट्रेन के आने का समय हो गया है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है और उसको देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे संग बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल, 050/60 लालकुआं से हावड़ा तक स्पेशल ट्रेन का अराइवल का वीडियो दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से, जो कि मेन लाइन पर ही अराइव हो रही है। और ये देखिए एक खूबसूरत सा पल, जब पहली बार कोई ट्रेन ब्रॉडगेज की भोजीपुरा जंक्शन से पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर होते हुए हावड़ा तक जाएगी। आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सी ट्रेनों को दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये था एक छोटा सा वीडियो और ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक पल का, लालकुआं हावड़ा स्पेशल ट्रेन, समर स्पेशल ट्रेन कह सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।